दोस्तों, बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर एक इंसान आइस ब्लिंक करता है, जो कि नॉर्मल सी बात है। लेकिन क्या आपको पता है, दोनों के आइस के ब्लिंक करने के रेट में माइनर नहीं, मेजर डिफरेंस है। अडल्ट बच्चों के मुकाबले 5 गुना ज्यादा आइस ब्लिंक करते हैं। साइंस की माने तो बच्चे 1 मिनट में हार्डली 1-2 बार ही आइस ब्लिंक करते हैं, और बड़े यानी एडल्ट्स कम से कम 10 से 11 बार आइस ब्लिंक करते हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि अपने जीवन काल में एक इंसान लगभग 35 टन खाना खा जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे ऐसे ही गजब के और इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करूंगा, जिसे सुनने के बाद आप कहोगे शानदार, अद्भुत। तो दोस्तों, जबरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे आज आपकी लाइफ में। सो लेट्स बिगिन। नंबर 10, हिकप्स यानी हिचकी। तो कभी ना कभी आपको जरूर आई होगी, तो आपने फिर पानी पिया होगा तो हिचकी चली गई होगी, राइट? लेकिन क्या हो अगर मैं बोलूं एक इंसान है जिसने 1 गिलास नहीं, 2 गिलास नहीं, 5 गिलास नहीं, न जाने कितने गिलास पानी पिया, लेकिन हिचकी लंबे समय तक नहीं गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चार्ल्स ऑसबोर्न की, जिनकी हिचकी 1922 में शुरू हुई और सन 1990 में बंद हुई, यानी पूरे 68 साल तक। ओ माय गॉड। अपार्ट फ्रॉम दिस हॉरिबल इंसिडेंट, आप ये बताओ कि हिचकी क्यों आती है? जल्दी जल्दी खाना खाने से, या नर्वस होने से, या बहुत से लोग बोलते हैं कि जब हमें कोई याद करता है तब हिचकी आती है। लेकिन क्या आप जानते हो हिचकी का रिलेशन जहाँ आप रहते हो वहाँ के टेम्परेचर चेंज से है? जैसे आप 40 डिग्री टेम्परेचर की जगह से 30 डिग्री टेम्परेचर में जाते हो तो हिकअप शुरू हो जाएंगे। ज्यादातर ये देखा गया है कि सडन टेम्परेचर चेंज होने की वजह से हमें हिचकी आती है। नंबर 9, ईयर वैक्स यानी कान में जमा हुआ वैक्स, जिसको हम गंदगी समझकर कान से साफ कर देते हैं। उससे जुड़ा एक काम का फैक्ट जान लो। ईयर वैक्स आपके कान के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। ईयर वैक्स है तो आपके कान सुरक्षित है। ईयर वैक्स कान में बैक्टीरिया और वायरस को प्रवेश करने से रोकता है, और यदि कहीं ईयर वैक्स ना हो तो आपको बहुत जल्दी और बड़ी आसानी से कान से जुड़े रोग जैसे टेनाइटिस हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कान से आप ईयर वैक्स बिल्कुल भी ना निकालें। अगर बहुत ज्यादा मात्रा में कान में ईयर वैक्स एक्युमुलेट हो गया है तो आप निकाल सकते हो, लेकिन कम्प्लीटली ईयर वैक्स को कान से रिमूव मत करो, बिकॉज एवरीथिंग इज गुड एंड बेनिफिशियल इन लिमिट। सब्जी में नमक स्वाद अनुसार हो तो ही अच्छा लगता है, वैसे ही थोड़ा बहुत ईयर वैक्स होना हमारे लिए बेनिफिशियल है। नंबर 8, दोस्तों आपको ये तो पता ही होगा, इंसान वर्टिकली हाइट में 20-21 साल तक बढ़ता ही है, या ये कहें एक व्यक्ति की हाइट मैक्स टू मैक्स 20-21 साल तक बढ़ती है, और इसी तरह शरीर के प्रत्येक ऑर्गन की बढ़ने की एक डेडलाइन है। लेकिन क्या आपको पता है हमारे शरीर में कुछ ऐसे ऑर्गन भी हैं जिसका बढ़ना कभी रुकता ही नहीं, चाहे आप 20 साल के हो जाओ या 30 साल के या फिर 80 साल के। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट योर ईयर एंड नोज। कान और नाक ही हमारे शरीर के ऐसे ऑर्गन हैं जिनका बढ़ना कभी बंद नहीं होता है। अमेजिंग। तभी आपने देखा होगा एज के साथ आपका फेस हमेशा बदलता रहता है। नंबर 7, दोस्तों क्या आपको पता है इस दुनिया में सबसे काले घने लंबे बाल किसके हैं? ये रिकॉर्ड है चाइना की एक शी क्यूपिंग नाम की एक महिला के नाम। जी हाँ, उनके बाल 18 फीट 5 इंच लंबे हैं। लेकिन दुख की बात तो ये है कि आजकल लंबे काले घने बाल सिर्फ सपना ही है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अनहेल्दी लाइफस्टाइल और बिगड़ते खान पान की वजह से बहुत से लोग हेयर फॉल और प्रीमैच्योर ग्रे हेयर की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। और ऐसे में हर घर में कोई ना कोई इंसान देखने को ऐसा मिल ही जाता है जिसको हेयर से रिलेटेड कोई ना कोई इशू जरूर है। नंबर 6, दोस्तों जैसा आप जानते हैं शरीर के सेल्स को जिंदा रखने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। बिना ऑक्सीजन के शरीर सर्वाइव नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि मॉडर्न साइंस ये प्रूव कर चुकी है, लो ऑक्सीजन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द डिजीज। सो ऑक्सीजन शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है, और ऑक्सीजन पहुँचती है ब्लड के थ्रू। बट क्या हो अगर मैं बताऊँ आपके शरीर में एक ऐसा अंग है जहाँ ब्लड पहुँचता ही नहीं है, वो ऑर्गन ब्लड रिसीव ही नहीं करता है। सोच में पड़ गए ना? मैं बात कर रहा हूँ आँख में मौजूद कॉर्निया की। कॉर्निया ऑक्सीजन सीधे वायु से लेता है। नंबर 5, दोस्तों क्या आपको पता है इंसान 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? आंसर है 12 से 16 बार। और कछुआ यानी टॉर्टॉइस 1 मिनट में सिर्फ 4 बार सांस लेता है। और कछुए की लंबी उम्र का राज भी यही है। कछुआ, पीपल का पेड़ और हाथी ये 1 मिनट में 10 बार से भी कम सांस लेते हैं और लंबी उम्र जीते हैं। एक कछुआ एवरेज 300 से 400 साल जीता है। कहा जाता है लोअर इज बेटर। वहीं दूसरी तरफ डॉग 1 मिनट में 60 बार सांस लेता है। इसीलिए डॉग की मैक्स टू मैक्स एज 10 से 15 साल होती है। नंबर 4, दोस्तों आपने ये अक्सर सुना होगा कि हमारा स्टोमक यानी पेट डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स और एसिड रिलीज करता है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। आपको बता दें ये एसिड HCl होता है, और ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है ये लोहे की कील को भी गला सकता है।
लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता। इसका रीजन है हमारे स्टोमक में म्यूकस लेयर का प्रेजेंट होना, जिसको हम म्यूकस मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, जो एक सुरक्षा कवच का काम करती है और हमारे स्टोमक की सेल्स को डाइजेस्ट होने से बचाती है। नंबर 3, आप अपने उंगलियों के नाखून हमेशा काटते हैं, लेकिन क्या कभी आपने गौर किया है कि उंगली के नाखून आपके ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं? सबसे ज्यादा तेजी से आपके बीच वाली उंगली के नाखून बढ़ते हैं। इसी तरह पैरों के नाखून की तुलना में हाथों के नाखून 4 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। नंबर 2, दिन भर में हम 2 से 3 बार खाना खाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है लाइफ का लगभग हम 5 साल सिर्फ खाना खाने में बिता देते हैं। आपको जान के हैरानी होगी, एक इंसान अपनी लाइफ में लगभग 35 टन खाना खा जाता है। नंबर 1, क्या आप जानते हैं आपकी बॉडी में 5% भी पानी की कमी हुई तो आप बेहोश हो सकते हैं, और शरीर में 10% से पानी कमी हो जाए तो इंसान की जान भी जा सकती है। तो ये वीडियो देखकर आप जान ही गए होंगे ये ह्यूमन बॉडी कितनी अमेजिंग है, और आप इन चीजों के बारे में आज से पहले नहीं जानते थे। हम आगे भी आपके लिए मजेदार और इंटरेस्टिंग जानकारियां लाते रहेंगे, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।